हेलो फ्रेंड्स, बाबू इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, ये एलजी का 32 इंच का एलईडी है, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। इसमें फॉल्ट एक्चुअल में कुछ देर चलने के बाद ये पिक्चर चली जाती है और आती है, ठीक है। तो इसमें क्या है फॉल्ट, हम खोल के देख लेते हैं सबसे पहले। और दोस्तों, मेरे चैनल पे जो भी नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंचे सबसे पहले। ओके दोस्तों, चलिए सेट को ओपन कर लेते हैं फटाफट। दोस्तों, मैंने सेट को ओपन कर लिया। ओके दोस्तों, इसमें सारी वोल्टेज ओके है, तो फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है। हमें लगता है ये पैनल का नहीं है, शायद बैकलाइट का होगा। तो हम पहले इसका बैकलाइट ओपन करके चेक कर लेते हैं, बैकलाइट सही है क्या नहीं। सर, बैकलाइट को खोल के देख लेते हैं पहले। वीडियो को पूरा देखते रहिए स्किप मत करके। दोस्तों, पैनल को मैंने खोल लिया। पैनल खोलने के समय थोड़ा सावधानी बरत। दोस्तों, बैकलाइट को मैंने खोल लिया। देखिए, इसमें तो कुछ लाइट फ्यूज है, मतलब लो ओम्स के हो गई है, जिसके वजह से पूरे लाइट नहीं बंद हुआ है। टोटल फ्यूज होने से सारे लाइट बंद हो जाता। इसमें कुछ लाइट लो ओम्स हो गया है इसके वजह से। चलिए दोस्तों, इसको खोल लेते पहले। स्ट्रिप, नया स्ट्रिप लगाएंगे तीन, उसके बाद देखते हैं हमारा बैकलाइट ड्राइवर आउटपुट सेक्शन ठीक है क्या नहीं। सारी दोस्तों, कंपनी का लॉक लगा है इसमें, लॉक सब जन से खोलना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहिए। और दोस्तों, मेरे इस चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके पैनल सप्लाई और आउटपुट बैकलाइट आउटपुट वोल्टेज देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। दोस्तों, इसके बैकलाइट आउटपुट देखिए ओपन सर्किट में 233 वोल्ट आउटपुट दिखा रही है। अब दोस्तों, ये बेचारे तीन बैकलाइट को खोल के इसमें नया बैकलाइट डालते हैं, उसके बाद देखते हैं हम। अब हम इसमें नया बैकलाइट इंस्टॉल कर रहे हैं। दोस्तों, इंस्टॉल करने के बाद हम लाइट देके देखते हैं क्या सही है या नहीं।
लगा दिया है। अब इसमें पावर देके देखते हैं दोस्तों। देखिए लाइट जल गया है और दोस्तों मैंने इसमें पावर दिया है। अभी देखिए इसका लाइट हाई होके एक दो सेकंड बाद लो हो रहा है। शायद इसका बैकलाइट आउटपुट डिस्टर्ब है। इस कंडीशन में कस्टमर को टीवी देने से एक डेढ़ महीना चले गया, उसके बाद फिर बैकलाइट आउटपुट मतलब बैकलाइट स्ट्रिप डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमने इस बोर्ड को लगा दिया है बैकलाइट, इसमें पैरेलल को कनेक्शन करके लगा दिया है। इस बोर्ड को VCC ग्राउंड और BL1 दे दिया है और सारे लाइट स्ट्रिप को मैंने बैकलाइट स्ट्रिप को पैरेलल कनेक्शन कर दिया है। अब सेट मेरा बिल्कुल हो गया। पिक्चर आप देख सकते हैं दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहीं गुम हो।